इतनी गर्मी है आज। हाँ प्रिया, गर्मी से हालत खराब हो रही है। दोनों सहेली ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लास में माधुरी मैडम आई। हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। गर्मी की वजह से स्कूल में स्विमिंग पूल बनाया जाएगा और तुम लोग जब चाहे उस पूल में नहा सकते हो। ये सुनकर पूरी क्लास खुश हो गई। लेकिन एक ही दिन में ये बात पास ही के बॉयज स्कूल में भी पहुंच गई। बॉयज स्कूल के लड़के बहुत खुश हो गए। अरे यार, गर्ल्स स्कूल में स्विमिंग पूल बन रहा है, अब तो मस्त नजारा मिलेगा। हाँ यार, सही कहा, मैं तो रोज जाऊंगा देखने। एक हफ्ते के अंदर गर्ल्स स्कूल में स्विमिंग पूल बन गई और सारी लड़कियां पूल में स्विमिंग ड्रेस पहनकर नहाने लगी। विकास नाम का बॉय स्कूल का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाहर आया। गर्ल्स स्कूल ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। अरे विकास, दीवार के उस पार स्विमिंग पूल है, हम दीवार के उस पार देखेंगे कैसे? अरे तू चिंता मत कर, मेरे पास एक प्लान है। वो आम का पेड़ देख रहा है, चल उस पर चढ़ जाते हैं। विकास अपने दोस्तों को लेकर आम के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से लड़कियों को नहाते देखने लगा। वाह यार, क्या नजारा है! दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। कुछ ही देर लड़कियों को ताड़ने के बाद एक लड़का अचानक से चिल्लाता है। अरे यार, क्या हुआ भाई? अरे पैंट में अंदर चींटी घुस गई। पैंट में चींटी? हा, बिल्कुल सही जगह में घुसी है। हा। ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। पहला दिन ऐसे ही बीत गया। उधर माधुरी मैडम क्लास खत्म करके घर गई तो उनके पति ने कहा, आ गई नौकरी करके? ये सब करके क्या फायदा? मुझे तो एक बच्चा नहीं दे पाई। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? इसमें मैं क्या करूं? हाँ तू कुछ मत कर, तू बस नौकरी कर। एक दिन मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। माधुरी मैडम रोने लगी। उन्हें बस एक ही अफसोस है कि उनकी कोई औलाद नहीं, इसीलिए उनका पति उन्हें खरी खोटी सुनाता रहता है। किसी भी तरह रात गुजारने के बाद माधुरी मैडम अगले दिन स्कूल जाती है और देखती है कि स्विमिंग पूल में पूरे स्कूल की लड़कियां नहा रही हैं। सुनो सभी, हमेशा बस यहाँ नहाने से नहीं चलेगा, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा। आधे घंटे में क्लास शुरू हो जाएगी, सभी जल्दी से आ जाओ। ये बोलकर माधुरी मैडम चली गई। जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स थे वो सब चले गए, लेकिन प्रिया और पूजा पूल में ही रह गई। उधर आज लड़कियों को नहाता देखने के लिए पेड़ के नीचे लड़कों की जैसे लाइन लग गई। विकास ऊपर बैठकर बड़े आराम से सब कुछ देख रहा था। प्रिया को देखकर उसने कहा, अरे यार कितनी सुंदर लड़की है। उधर प्रिया ने भी विकास को देख लिया और उसे इशारा करने लगी। विकास को लगा कि वो लड़की विकास को बुला रही है। स्कूल खत्म होते ही विकास गर्ल्स स्कूल के बाहर खड़ा हो गया। प्रिया उसके पास आई। तुम मुझे उस तरह देख क्यों रहे थे? तुम सुंदर हो इसलिए, अब सुंदरता को तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता ना। अच्छा ये बात है, तो फिर कल आ जाओ मेरे साथ नहाने। लेकिन गर्ल्स स्कूल के अंदर कैसे घुसूं? उसके लिए तो मुझे लड़की बनना पड़ेगा। तो तुम बच जाओ ना, मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकते। ये बात विकास के दिल छू गई। विकास ने एक प्लान बनाया। अगले दिन उसने लड़कियों की ड्रेस पहन ली और दो संतरे की मदद से पूरी तरह लड़की बन गया और फिर गर्ल्स स्कूल में घुस गया। उधर सभी क्लास लगाने चले गए और प्रिया अकेली पूल में रह गई। तभी विकास पूल में उतरा। ये देख प्रिया, मैं आ गया। दोनों एक साथ तैरने लगे, हंसने लगे। ऐसे 2-3 घंटे बीत गए, तभी वहाँ पर माधुरी मैडम आ गई। प्रिया तुम अभी भी पूल में हो? और तुम कौन हो? तुम्हें तो स्कूल में कभी नहीं देखा। वो मैडम, मैं इसी स्कूल की हूँ, वो असल में। ये कहते हुए विकास के दो संतरे नीचे गिर गए। अरे बाप रे, भागो! विकास भाग गया। माधुरी मैडम ने प्रिया को बहुत डांटा। अगले दिन प्रिया स्कूल में आई और क्लास करते समय उसे उल्टी आने लगी। उसने उल्टी कर डाली और बेहोश हो गई। अरे ये क्या,
इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मैडम प्रिया को डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि प्रिया माँ बनने वाली है। ये सुनकर प्रिया रोने लगी। मैडम मुझसे गलती हो गई है मैडम, मुझे बचा लो मैडम, अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। माधुरी मैडम ने विकास को भी बुलाया और उसे बहुत डांटा। ये कोई उम्र है ये सब करने की, अब क्या होगा? प्रिया बहुत रोने लगी। माधुरी मैडम ने बहुत सोचने के बाद कहा, सुनो प्रिया, मेरे पास एक प्लान है। तुम घर पर बोलो कि एक साल तुम मेरे पास रहकर पढ़ाई करोगी, लेकिन बच्चा हो जाने के बाद क्या होगा? उसके बाद बच्चा मुझे दे देना, मेरी कोई औलाद नहीं और तुम माँ बनने के लिए बहुत छोटी हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बच्चे को मैं गोद ले सकती हूँ। सच? ये तो बहुत खुशी की बात होगी। प्रिया ने वही किया और इसी तरह 9 महीने बाद प्रिया को एक बेटा हुआ। माधुरी मैडम ने उसे गोद ले लिया और प्रिया शर्मिंदगी से बच गई। स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया, इसीलिए कहते हैं कि उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर आज माधुरी मैडम नहीं होती तो प्रिया का सर्वनाश हो जाता। इसीलिए दोस्तों सतर्क रहें और खुश। आहा, इतनी गर्मी में तालाब के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का तो मजा ही कुछ और है। मधु तालाब में डुबकी लगाती रही। उसी वक्त एक छोटी सी नागिन तालाब में उतरी और मधु की ओर बढ़ने लगी। मधु का ध्यान उधर नहीं था, वो तो बस मस्ती से नहा रही थी। तभी मधु की सास बिमला तालाब के पास आई। बहू, और कितनी डुबकियां लगाओगी, चलो अब। बिमला को देखकर वो नागिन मधु से दूर चली गई। मधु ने कहा, हाँ हाँ माँ जी, आ रही हूँ। मधु बिमला के साथ घर चली गई। मधु का पति रमेश बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मधु, मुझे आज विदेश जाना है और तुम यहाँ 1 घंटे से नहा रही हो। क्या करूँ जी, गर्मी ही इतनी है और तालाब में नहाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कितनी बार कहा है मधु कि ऐसे बाहर तालाब में मत नहाया करो, सेफ नहीं है। अरे कुछ नहीं होता रमेश, शादी से पहले भी मैं तालाब में ही नहाती थी। शादी के बाद से हमेशा रमेश मधु को तालाब में नहाने से मना करता था, लेकिन मधु नहीं सुनती थी। वो हर रोज तालाब में नहाने जाती थी क्योंकि खुले में ना नहाने से उसे शांति नहीं मिलती थी। रमेश उसे समझा समझा कर थक गया और आज भी रमेश उसे तालाब में ना नहाने के लिए कहकर विदेश के लिए निकल गया। उधर वो छोटी सी नागिन तालाब में तैरते हुए सोच रही है, आज भी मैं मधु के अंदर नहीं जा पाई, लेकिन जो भी हो जाए मुझे उसके अंदर जाना ही होगा। रमेश के जाने के बाद मधु कुछ दिन शौचालय में ही नहाती है क्योंकि उसकी सास बिमला ने उसे कहा था, बहू अब मेरा बेटा भी यहाँ नहीं है, तालाब में डूब गई या तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, मैं अकेली थोड़ी संभाल सकूंगी, इसीलिए अब से शौचालय में ही नहाया कर। लेकिन हर रोज शौचालय में नहाते समय मधु सोचती है, अरे यार बाथरूम में इतने से पानी में नहाने का क्या मजा, कहाँ तालाब और कहाँ बाथरूम। लेकिन मधु बाथरूम में ही नहाती रहती है। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। उधर वो नागिन तालाब में मधु का इंतजार कर रही है। अरे ये मधु तालाब में क्यों नहीं आ रही है, 3 महीने बीत गए उसके इंतजार करते करते। और ऐसे ही एक दिन सुबह बिमला ने मधु से कहा, बहू मैं आज मेरी बहन के वहाँ जाऊंगी, मेरे आते आते शाम हो जाएगी, ठीक से रहना घर में, ठीक है ना? बिमला चली गई और मधु ने सोचा, माँ जी तो घर में नहीं है और आज ही मौका है तालाब में नहाने का, कितना मजा आएगा। मधु तालाब में नहाने चली गई और 2 डुबकी लगाने के बाद उसको बहुत मजा आया। इसे कहते हैं नहाना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तभी उस नागिन ने मधु को देख लिया। अरे वो नहीं मधु, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। वो नागिन मधु के पास आई और मधु के पेट में घुस गई।
मधु को कुछ पता ही नहीं चला और वो घर लौट आई। शाम को उसकी सास भी लौट आई और अगले दिन सुबह मधु को उल्टियां होने लगी। अरे क्या हुआ बहू, कल तक तो ठीक थी, कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? नहीं तो माँ जी, मैंने कुछ खाया तो नहीं था। अच्छा, तो फिर डॉक्टर के पास चल। डॉक्टर ने मधु का चेकअप करने के बाद कहा, मुबारक हो मधु जी, आप गर्भवती हो, आपको बच्चा होने वाला है। बच्चा? लेकिन हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया, मैं एक दिन के लिए बाहर क्या गई, मेरी बहू गर्भवती हो गई। अरे पर ये तो खुशी की बात है ना? अरे घंटा खुशी की बात, 3 महीने से मेरा बेटा ही घर में नहीं है, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? बोल किसे घर ले आई थी कल, बोल। बिमला ने मधु को खरी खोटी सुनाई। मधु बस रोते हुए कहती रही, माँ जी विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले हंसने लगे। अरे बिना पति के ही प्रेग्नेंट हो गई बिमला की बहू। अरे अरे आजकल की लड़कियां तो ऐसी ही हैं, बदतमीज। बिमला दिन रात मधु को सुनाने लगी। बिमला ने फोन पर रमेश को भी सब कुछ बताया और रमेश चौंक गया। क्या ये कैसे हो सकता है माँ? ठीक है माँ, मैं यहाँ काम खत्म करके जल्द से जल्द आता हूँ। मधु की जिंदगी खराब हो गई। इतने में एक दिन मधु ने सपना देखा। एक बच्ची उसे कह रही थी, माँ मैं आ रही हूँ, माँ मैं आ रही हूँ। तू कौन है बेटी, तू कौन है? मेरे आते ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा माँ। मधु की नींद टूट गई और कुछ दिन बाद रमेश भी घर चला आया और मधु को उल्टा सीधा सुनाने लगा। ऐसे ही सुनते सुनते 9 महीने बीत गए और मधु की डिलीवरी हुई। डिलीवरी होते ही सभी चौंक गए। सबने देखा कि मधु के पेट में से कोई इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का जन्म हुआ। अरे ये क्या, मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। तू कौन है बेटी? मैं आपकी सहेली सुमित्रा हूँ। पिछले जन्म में हम दोनों सहेली हुआ करते थे, लेकिन एक हादसे में हम दोनों से भाग गए और उसके बाद आपने इंसान के रूप में जन्म लिया और मैंने नागिन के रूप में। लेकिन मुझे कहा गया था कि अगर मैं आपकी बेटी बनकर पैदा हो जाऊं, तो मैं फिर से इंसान बन सकती हूं। और इसीलिए मैं तालाब में आपके पेट में घुस गई थी। ये सुनकर सभी का भ्रम टूटा। वो नागिन इंसान की बच्ची में बदल गई और मधु ने उसे अपना भी लिया। सभी ने मधु से माफी मांग ली और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।